Hi, I'm Dr. Himangi, Chief Dermatologist of Dermacline Skin Clinic, based in Raipur, Chhattisgarh. आज मैं आपको बताने वाली हूँ PCOS के बारे में. PCOS क्या है? PCOS Polycystic Ovarian Syndrome है, जो कि बहुत common problem है और आज के टाइम में 5 में से एक female इस तकलीफ से परेशान है. तो PCOS में होता क्या है? PCOS में बेसिकली ओवरीज में एक एग की बजाय मल्टीपल एग्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम होती है. PCOS होने का कारण क्या है? क्योंकि PCOS एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो ये एक रीज़न नहीं, मल्टीपल रीज़न की वजह से होता है, जैसे कि स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बैड डाइटरी हैबिट्स. और जिस घर में PCOS की तकलीफ ऑलरेडी है, उन फीमेल्स को PCOS होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. PCOS की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? PCOS में मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ और मेल पैटर्न बॉल्डनेस काफ़ी कॉमन है. मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ कहाँ पाई जाती है? मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ अपर लिप, बियर्ड एरिया, चेस्ट एरिया और एब्डोमेन एरिया में फीमेल्स में पाई जाती है. ये हेयर ग्रोथ थिक होता है. अब मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी काफ़ी कॉमन है. यही टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन हमारे ऑयल ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड को भी ट्रिगर करता है. ऑयल और सेबेशियस ग्लैंड की ट्रिगर होने की वजह से एक्ने होते हैं. ये एक्ने यूजुअली रेड, पेनफुल और सिस्टिक होते हैं. कहाँ यूजुअली कॉमन होते हैं? ये जॉ लाइन, बैक और आर्म्स में काफ़ी कॉमन होते हैं. नॉर्मली एक्ने 7 डेज में ठीक हो जाते हैं, बट PCOS में एक्ने काफ़ी स्टबर्न होते हैं और वो 7 to 14 डेज लास्ट करते हैं. एक्ने के ठीक होने के बाद यूजुअली एक्ने स्कार्स या पिगमेंटेशन रह जाते हैं. PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस की तकलीफ भी काफ़ी कॉमन है, जिसका मतलब बॉडी एक्सेसिव इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पा रही और इसी इंसुलिन की वजह से बॉडी फोल्ड में पिगमेंटेशन आ रहे हैं. कहाँ पिगमेंटेशन आ रहे हैं? यूजुअली एक्सेला, प्यूबिक एरिया, इनर थाई और नेक एरिया में पिगमेंटेशन काफ़ी कॉमन होता है. इसको हम एकिनथोसिस नाइग्रेकेंस कहते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन की तकलीफ भी काफ़ी कॉमन है PCOS में. अब इन तकलीफ के अलावा इरेगुलर पीरियड्स भी काफ़ी कॉमन है. साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो 9 या उससे कम पीरियड्स अगर हो रहे हैं तो ये PCOS का लक्षण है. PCOS को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? PCOS को क्लिनिकल सिम्टम के साथ साथ ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी के थ्रू भी डायग्नोस किया जाता है. ब्लड टेस्ट में हम हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं. हार्मोनल प्रोफाइल में LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करते हैं. ये 3rd डे ऑफ पीरियड्स में करवाना चाहिए. अब ये मिथ है कि अगर हमारे पीरियड्स इरेगुलर नहीं है तो हमें PCOS नहीं है, बल्कि ये पता होना चाहिए कि इरेगुलर पीरियड्स इज़ ओनली द वन ऑफ द साइन ऑफ PCOS. इरेगुलर पीरियड्स नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको PCOS नहीं है. बाकी सिम्टम्स को भी रूल आउट करना इम्पॉर्टेंट होता है. ट्रीटमेंट ऑफ PCOS. तो क्योंकि PCOS एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस लाइए. लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाना इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले डाइटरी चेंजेस. डाइटरी चेंजेस में आपको मिल्क, आर्टिफिशियल शुगर और जंक फूड को अवॉइड करना या कम मात्रा में लेना इम्पॉर्टेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का इंटेक ज़्यादा करना है. अब आप इसी डाइट को अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ सकते हैं, वो आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं. सेकेंड थिंग, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. PCOS के पेशेंट्स को यूजुअली कार्डियो या क्रॉसफिट करना चाहिए, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स कम होते हैं. क्योंकि PCOS में सिम्टम्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, इसलिए मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाती है. तो अगर किसी पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स है या 2 से 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उन केसेस में ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल स्टार्ट की जाती है. वो लगभग 3 से 6 महीने तक चलती है. साथ ही साथ अगर पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि पिगमेंटेशन, फोल्ड्स वगैरह में, तो मेटफॉर्मिन स्टार्ट किया जाता है.
इन ट्रीटमेंट के अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि D3, फॉलिक एसिड और मायोआइनोसिटॉल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये वाइटमिन्स हैं जो हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा वाइटमिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं PCOS के सिम्टम्स में। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होते हैं, ये PCOS में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करते हैं। जिन पेशेंट्स को एक्ने की तकलीफ़ होती है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से इम्प्रूव हो जाते हैं, पर कुछ पेशेंट्स में ऑयल प्रोडक्शन कम करने के लिए हमें आइसोट्रेटिनोइन भी स्टार्ट करना होता है। आइसोट्रेटिनोइन एक विटामिन ए का ही डेरिवेटिव है। क्योंकि PCOS एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है, तो मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर वो एक न्यूट्रिशनिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट तीनों से मिलकर अगर एडवाइस ले और अपना ट्रीटमेंट 3 महीने से लेकर 6 महीने तक अपना कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट ले, तो डेफिनेटली उनको PCOS के सिम्टम्स कम होते दिखेंगे और इम्प्रूवमेंट दिखेगा।